दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले जब सिराज उद दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी काल कोठरी में डाल दिया था। जो जेल सिर्फ 4 लोगों की थी उसमें 146 सोल्जर्स को डाल के मार डाला। कहानी शुरू होती है 1690 में जब कलकत्ता शहर बना। ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बने अराउंड 100 साल होने वाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चार्लोक हुगली के दौरे पर सुतानाती गाँव पहुँचते हैं। यहाँ वो अपना तंबू कर एक ऐसे शहर की नींव रखते हैं जिसे बनाने के लिए आने वाली कई सदियों तक ब्रिटिश साम्राज्य को याद किया जाने वाला था। लेकिन जिन्होंने इसे गाड़ा था उन्हें इसी शहर में 66 साल बाद हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सेना के 140 सैनिक गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें रात भर के लिए ऐसी काल कोठरी में ठूस दिया जाता है जहां तड़प तड़प कर इसमें से 123 अपनी जान गंवा देते हैं। फ्यूचर में इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। 1756 में नए वेले नवाब सिराज उद दौला ताज पहनता है। नवाब अपनी छोटी सी सल्तनत को ठीक से समझने में लगा हुआ था। सिराज उद दौला को लगता है कि साउथ की ओर ब्रिटिशर्स अपनी औकात से ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं और सिराज उद दौला की कोशिश ब्रिटिशर्स की कमाई पाने की थी, क्योंकि नवाब को डच और फ्रेंच के ऑफिसर्स ने बताया था कि गोरों ने उसकी सल्तनत से कमाई कर करके तिजोरियों को भर लिया है। उसके बाद नवाब ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। ये तारीख थी 16 जून 1756 की। इस दिन जंग थोड़ी हल्की रही लेकिन अंग्रेजी सेना पर बड़ा हमला 18 जून को किया गया। फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट रोजर ड्रैक को पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो हुगली में खड़े अपने जहाज पर सवार होकर अपनी फैमिली और कई दूसरे ऑफिसर्स के साथ भाग निकलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उतना भी मुकाबला नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद नवाब कर रहा था। सिराज उद दौला की सेना 146 सैनिक और अफसरों को बंधक बना लेती है। 20 जून 1756 को सिराज उद दौला की सेना जीत जाती है और जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के किले में दाखिल होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिराज उद दौला के सामने ये दूसरा सरेंडर था। इस इंसिडेंट के एक महीने पहले ही कासिम बाजार में पहला सरेंडर ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी थी। अंग्रेजों के 146 सैनिकों को बाद में सिराज उद दौला के दरबार में पेश किया गया। सैनिकों ने नवाब से अपनी जान की भीख मांगी। नवाब ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 160 पर ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल लिखते हैं, जब मिस्टर हॉलवेल जो कंपनी के कलकत्ता हाउस के हेड थे उन्हें जब नवाब के सामने पेश किया गया तब नवाब ने तुरंत ही हथकड़ियों को हटाने और उन्हें पूरा सम्मान देने का ऑर्डर दिया और कुछ ही घंटों में नवाब के सैनिकों का हॉलवेल और दूसरे कैदियों के अगेंस्ट नजरिया बदल गया। एक्चुअली एक अंग्रेज सोल्जर जो कि काफी नशे में था और उसने नशे की हालत में अपनी पिस्तौल नवाब के एक सिपाही पर चला दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। अब इतनी बड़ी बात हो चुकी थी तो ये बात नवाब तक कैसे नहीं पहुंचती? बादशाह ने ये हरकत करने वाले सोल्जर के बारे में पता किया। पता चला कि वो हकूमत खाने में है। अधिकारियों ने नवाब को सलाह दी कि इतने कैदियों को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है और सिराज उद दौला ने भी ऐसा ही किया। नवाब का ऑर्डर मिलते ही सिपाहियों ने अंग्रेज ऑफिसर्स की रैंक की परवाह ना करते हुए 146 अंग्रेज सैनिकों को 18 फीट लंबी और 14 फुट चौड़ी काल कोठरी में डाल दिया। जो काल कोठरी सिर्फ 4 लोगों के लिए थी उसमें 140 अंग्रेज सैनिक जिसमें औरतें भी थी उन सबको काल कोठरी में डाल दिया और ये सब रात भर भूख और प्यास से तड़पते रहे। इसमें हवा के लिए भी सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां थी। 21 जून की सुबह 6 बजे जब ये काल कोठरी खोली गई तब तक 126 सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे और बाकी बचे 23 अधमरे हो चुके थे। इस इंसिडेंट के कुछ घंटों बाद सिराज उद दौला ने कलकत्ता का नाम भी बदल कर अली नगर कर दिया और हिंदू राजा दीवान मणिक चंद को यहाँ का गवर्नर बना दिया। 24 जून को नवाब कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के लिए चला। हुगली में उसने दरबार लगाया जिसमें फ्रेंच और डच एजेंट भी वहाँ पहुँचे। अंग्रेजों के खिलाफ नवाब का साथ देने और ईमानदारी दिखाने वाले को 3.5 और 4 लाख रुपए कैश दिया गया। नवाब ने उन्हें कलकत्ता में बिजनेस करने की खुली छूट दे दी। 11 जुलाई को सिराज उद दौला मुर्शिदाबाद पहुँचा और उसके ठीक 3 महीने बाद 16 अक्टूबर को उसने पूर्णिया के नवाब शौकत को जंग में हरा दिया और हिंदू राजा युगल सिंह को पूर्णिया की गद्दी सौंप दी। इस बीच 123 सोल्जर्स की मौत की खबर भी लंदन पहुंच चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 को विलियम मोबार्ट को एक लेटर लिखा जिसमें इस इंसिडेंट का जिक्र हुआ था। ये सब हुआ लेकिन सच ये भी है कि अगले 100 साल तक इस खतरनाक इंसिडेंट का जिक्र कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं किया गया। सिराज उद दौला के हमले में मारे गए जिन 56 लोगों का जिक्र एक लिस्ट में किया गया उसमें से भी किसी की मौत का रीजन दम घुटना नहीं बताया गया था। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने भी दिसंबर 1756 में सिराज उद दौला को एक लेटर
लेटर लिखा और इस लेटर में भी मौत का कोई जिक्र नहीं था। 1 अक्टूबर 1765 को क्लाइव ने कोट किया कि इस इंसिडेंट में कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो ऑर्डर के बाद मौत का शिकार हुए और वो लोग आज भी जिंदा है। सिर्फ 2 को छोड़कर कई हिस्टोरियन भी 123 सैनिकों के मारे जाने के दावे पर सवाल उठाते हैं। इसमें एक मेन नाम जादूनाथ सरकार का है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दम घुटने से कैसे मौत होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और Facebook पे देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।